गा के। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और मैं आपको बताऊं कि मैंने पहली बार गुजराती फिल्म में गाया है, क्योंकि बहुत सी मराठी की है, मारवाड़ी की है, मैथिली की है, भोजपुरी भी की है, हिंदी भी की है, बट आज पहला एक्सपीरियंस मेरा गुजराती का रहा और माइंड ब्लोइंग रहा, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्शन दिया है मॉन्टी शर्मा जी ने, राज सेन जी और मारू ब्रदर्स, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे गवा लिया, आप ऐसा सोच लिया, और मैंने गा लिया। बहुत ही प्यारा म्यूजिक है, सबको अच्छा लगेगा सुनने के। हाँ, लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, बट राइटर अच्छा हो और म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हो तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक लविंग सॉन्ग है और एक पार्टी वियर सॉन्ग है, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने दो सॉन्ग किया है इसमें। हाँ, समझने में तकलीफ होती है, बट उन्होंने मुझे एक दिन पहले से ट्रैक दिया और लिरिक्स भी दिया, तो थोड़ा सा एक दिन मैंने उसको देखा कि हाँ क्या है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होती है, हम लोग हैं हिंदी हैं तो फिर गुजराती अगर हम नहीं बोलते हैं तो पहली बार कोई चीज़ तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट गाइडेंस अच्छी मिलती है तो हर चीज़ हो जाती है। नहीं, मैडम ने बहुत अच्छा गाया है। बिल्कुल, मैं बहुत ही बेस्ट विशेस देती हूँ कि ये फिल्म, मैम ने बताया कि ड्रग्स पर आधारित है, एक लोगों को संदेश दिया है, तो फिल्म का नाम खल्लास इन्होंने रखा है, और खल्लास तो आई थिंक सबको खल्लास कर देगा। एक्चुअली ये जो मूवी है, खल्लास, ये आजकल की जनरेशन, जैसे आपने देखा होगा, एक नेशनल इशू बना हुआ है ड्रग्स, उसको हमने इसमें मेन इशू बनाया है, क्योंकि आजकल की जनरेशन ड्रग्स और नशे की इतनी आदी हो चुकी है कि आज हम बोल सकते हैं कि डूबती जा रही है, और सस्पेंस और थ्रिलर हमने दिया है जो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। कहानी में क्या अलग है, जैसे तो हर कहानी में यही लेके लोग बैठ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ ड्रग्स या इशू तो आते रहते हैं, या इसमें क्या कुछ नया है? इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अभी तक जो हमने जो सब्जेक्ट दिया है वो मार्केट में आया नहीं है, कुछ डिफरेंट है, और एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे हम बोल सकते हैं कि अभी तक उसके साथ इतनी ट्रेजडी हुई है लाइफ में, और एक कुछ लड़कियों के द्वारा किए गए हैं, बाकी सब तो आपको देखने के बाद ही पता लगेगा कि क्या है। हमारे इसमें 5 गाने हैं जिसका निर्देशन किया है मॉन्टी शर्मा जी ने, म्यूजिक पूरा उन्हीं का है, और साथ में राज सेन जी और मारू ब्रदर्स, ये उनको सपोर्टिंग कर रहे हैं। इसमें उदित नारायण जी हैं, रेखा राव जी हैं, मैम हैं, और जो हिंदी सॉन्ग्स हैं, ये तो हमने जो बात किया गुजराती सॉन्ग्स की है, लेकिन जो हिंदी सॉन्ग्स हैं उसमें अपने जगप्रीत बाजवा जी हैं, और अभी सिंगिंग कर रही हैं मैम एक रिश्ता साझेदारी का टाइटल सॉन्ग जिन्होंने गाया वो है मैम। ऐसा करके सिंगर्स सभी हमारे अच्छे हैं, और गाने सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ बना है। लोकेशन हम लोग राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में हम लोग कर रहे हैं बांसवाड़ा, बीकानेर, और गुजरात के अंदर हम लोग जाना है, जो जा रहे हैं वो है भावनगर, और साथ में अभी एक दो लोकेशन और सर्चिंग चल रहा है, और कुछ मुंबई की है। जैसे कि सिंगर में आपने नाम लिए जी, एक्चुअली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो न्यू कपल्स पे है, तो वो तो हम सब न्यू फेसेस है, लेकिन हमारा कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट है जिनको हम लोग कह सकते हैं कि, जैसे नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उनसे अभी टर्म्स कंडीशन के ऊपर ही है, लेकिन हाँ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में हमारे कुछ नॉन फेसेस हैं। फिल्म प्रमोशन सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन सबसे पहले हमारा अभी सॉन्ग्स हो रहे हैं, शूटिंग हो जाए उसके बाद ही सब पता लगेगा। सबसे पहले तो आप लोग आए हैं, मीडिया परिवार आया है, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। और हिंदी फिल्म है, हिंदी और गुजराती दो लैंग्वेज में फिल्म कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, अच्छा है, और फिलहाल जो है म्यूजिक की तैयारी है। नेक्स्ट मंथ जो हम लोग शूटिंग के लिए निकल रहे हैं, राजस्थान और गुजरात कर रहे हैं। एक फिल्म दो लैंग्वेज में क्या
ना, ये हिंदी फिल्म कर रहे हैं, उसी को फिल्म को पूरा हम लोग डब करेंगे, लेकिन कुछ जो पार्ट है वो शूट करेंगे और डबिंग आर्टिस्ट जो हैं गुजरात के रहेंगे, अच्छे आर्टिस्ट हैं। और फिल्म जो है पूरा लैंग्वेज है पूरा हिंदी है, लेकिन उसी फिल्म को हम लोग दो लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं, हिंदी और गुजराती। गुजराती हम लोग अभी गुजरात हो के आए तो वहाँ का कल्चर कुछ लोकेशन वाइज हमें बहुत अच्छा लगा, और अभी जो है काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री का जो है बॉलीवुड का पूरा जो है फोकस करीब करीब गुजराती फिल्म इंडस्ट्री पे है, और वहाँ की फिल्में हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, अच्छी फिल्में बनने जा रही हैं। तो हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं कि इस फिल्म को हम लोग चाह रहे हैं कि हिंदी के साथ हम गुजराती भी करें। कुछ लोग हमें वहाँ से मिले हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनका सपोर्ट है। एक्चुअली आपने जैसे क्वेश्चन किया कि गुजराती, तो अभी हम थोड़ा ट्रैक चेंज करना चाह रहे हैं गुजरात का, क्योंकि रीज़न क्या है कि वहाँ पे अभी तक फैमिली ड्रामा कॉमेडी ये सब आया, सस्पेंस थ्रिलर नहीं आया, तो हम लोग चाह रहे हैं कुछ न्यू दें, तो हम लोग इसलिए गुजराती इसको करना चाह रहे थे। तो बिल्कुल आसान नहीं होता है फिल्म बनाना, या तो बाकी जो काम होता है पूरा टीम वर्क होता है, एक परिवार की तरह काम करना होता है, पूरी टीम होती है, एक काम अकेले का नहीं होता है ये पूरी फिल्म बनाना, लेकिन पूरी टीम होती है तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है पूरी टीम के साथ में काम करना, और इसी सपोर्ट से ही काम करने जा रहे हैं। अभी जैसे मैडम ने बताया कि वहाँ पे गरबा डांडिया इस तरीके से फिल्में, इस तरीके से काफ़ी शूटिंग्स ऐसी फिल्में बनी हैं, लेकिन अभी जो है अर्बन गुजराती का बहुत अच्छा पैटर्न चला है वहाँ पे, तो अर्बन गुजराती हम लोग इसको करना जा रहे हैं। प्रॉपर जो एकदम लैंग्वेज है, एकदम ईजी जो है गुजराती वो ले रहे हैं, और हिंदी तो ही। नेक्स्ट मंथ हम लोग जो है शूट पर निकल रहे हैं, और जल्दी से इसको शूट करें, और 2017 तक हम लोग पूरा इसको 2017 में फर्स्ट जनवरी में ही हो सकता है कि रिलीज कर, जनवरी में हम लोग इसको रिलीज कर दें, ये हमारी पूरी कोशिश है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, माधव ब्रदर्स, मोंटी जी, मोंटी शर्मा जी, राज सेन भाई, बहुत सुंदर म्यूजिक बनाए हैं इसका, दो वर्जन में शायद बन रहा है, हिंदी और गुजराती। तो योगिता जी राठौर जो बना रहे फिल्म, और डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बनेगा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सुंदर गाना हुआ है। मैंने सुना कि ये सस्पेंस थ्रिलर है, तो बड़ा मजा आएगा, मुझे तो गाना बहुत अच्छा लगा। उदय जी भी अभी आ रहे हैं, और इससे क्यूट और रोमांटिक सॉन्ग, सपना मासूम पल पल आरज़ू कहानी प्रेमनी, इस तरह का गाना है, आप लोग को पसंद आएगा उम्मीद करती हूँ। वेरी नाइस। इससे पहले आपने गुजराती, हाँ गाई हूँ, गुजराती फिल्मों में गाई हूँ, और काफ़ी डांडिया टाइप का लोकगीत वगैरह गाई हूँ, तो ये पहला अभी माडू ब्रदर्स के लिए पहली बार गा रही हूँ, और राज भैया के लिए, राज सेन जी के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये किस फ्लेवर का सॉन्ग है आपको कैसा लगा? इट्स अ रोमांटिक क्यूट लिटिल रोमांस, जो होता है ना बच्चे लोग का, अभी यंग जो है उनके ऊपर होगा शायद, है ना, सुपर हिट हो जाए वो तो उम्मीद करते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपको और पूरे टीम को, खलास की सारी टीम को मेरा एकदम शुभकामना है कि अच्छा चले और अच्छा फिल्म बने, लोगों को पसंद आए, आप सबको पसंद आए, यह हमारी शुभकामना है। थैंक यू। Thank you.
बार गाना लगा दो सर। बहुत सुंदर गाना हो गया सजता करूं कहूं एज बस एज ही हूं कहूं दुआ करूं सजता करूं कहूं एज बस एज ही हूं कहूं ए मारी जिंदगी तू मारी रूबरू तुझथी प्रेम करूं हमारे रूबरू रूबरू खुदा नी बंदगी दिल में इच्छा एज छे तुम्हारी दीवानगी सपना पाछो थू पल पल सर जी पहले तो मैं आपको माता जी की हार्दिक शुभकामना नवरात्रा चल रहे हैं अपने और हमारे जो प्रोड्यूसर योगिता राठौड़ जी हैं और हमारे डायरेक्टर साहब यामिन खान हैं उन्होंने हमें मौका दिया है। इस फिल्म में दो लैंग्वेज में बन रही है जिसके हिंदी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं मोंटी शर्मा जी और गुजराती के हम लोग हैं राज सेन मारू ब्रदर्स इज माई ब्रदर। हम चार जन हैं और बहुत ही बेहतरीन गाना बनाया गुजरात को नज़र रखते हुए और मतलब जो वहाँ का ट्रेडिशनल और वहाँ का जो माहौल आजकल सब जो चल रहा है तो हमने कोशिश की कुछ नया करने की और वहाँ की ऑडियंस के लिए उनके लिए बहुत मन पसंदा गाना बनाया है फिल्मी मेलोडियन और बहुत सुरीला गाना बनाया है और वहाँ हम कोशिश करते हैं माता रानी से कृपा प्रार्थना करते हैं कि उनको गाना बहुत बहुत पसंद आए। मारू ब्रदर्स मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम लोग साथ में बड़े हैं और मैं सोचा कि आजकल सब बैंड के सिस्टम चल रहा है शंकर एहसान लोय विशाल शेखर तो हमेशा टीम चलती है तो मैंने भी सोचा कि इन चारों के साथ हम लोग टीम बना के चलेंगे तो हमारा हिंदुस्तान में नाम भी होगा हमारा और वर्ल्ड में भी नाम होगा। तो हम ये भाई मेरे जो नरेश भाई हैं वो कीबोर्डिस्ट हैं और मेरे जो महेश भाई हैं वो सिंगर है और जो मेरा उमेश है वो ड्रामर है एंड इंजीनियर साउंड रिकॉर्डिस्ट। सर आप लोग खुद यानी कि बताएं अपने बारे में किस तरह से आज गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है और आपने क्या किया है इसके अंदर क्या खूबी दिखाई है। एक्चुअली गाना जो है वो हिंदी में ऑलरेडी हो चुका है हम लोग उसका गुजराती वर्जन कर रहे हैं एंड दीपा जी और उदित नारायण जी गा रहे हैं काफ़ी अच्छा उन्होंने निभाया है गाना और हम चाहते हैं जल्दी इसका शूट हो और ये फिल्म जल्द से जल्द बाहर आवे। थैंक यू। सर आप बताइए अपना नाम पहले। सर मैं महेश मारू मतलब मारू ब्रदर्स से हूँ और ये हमारे राज भाई है जो हम साथ में काफ़ी साल से अभी कर रहे और ये जो हम लोग ने जो काम लिया है उसमें जो उदित नारायण जी का जो सॉन्ग हम लोग अभी करने जा रहे काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है जो काफ़ी नयापन मिलेगा उदित नारायण जी को तो हम चाहते हैं कि उनको भी पसंद आए। दीपा जी ने भी बहुत अच्छा गाया है हम लोगों ने अभी आउटपुट देख लिया अभी चाहते कि मतलब ये चीज़ जो बाहर निकले
तो लोग काफी पसंद करे उन्हें। सर एक टीम के साथ काम करते हैं आप, एक ब्रदर टीम है आपकी। हाँ जी। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो एक टीम के साथ काम करते हैं, तो आपका क्या आपस में एक कॉम्बिनेशन है जो आप लेके चलते हैं साथ में? सर कॉम्बिनेशन तो ये है कि सर मैं सिंगर हूँ, ये म्यूजिशियन है और ये रिदमिस्ट बैठे हैं जो साउंड रिकॉर्डिस्ट भी है, मेरे छोटे भाई है, और ये जो है जो इनका काफ़ी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमको राज सेन जी का, तो ये एक टीम वर्क ही है जो हम लोग आगे तक जाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे। अभी हमने गाना सुना रूबरू, yes. गुजराती सॉन्ग इतना खूबसूरत आपने बनाया है, तो अगर आप दो बोल जैसे के भी चल रहा था सुना दें तो। तुम्हारी जिंदगी खुदा ने बंदगी दिल में इच्छाए जिछे तुम्हारी दीवानगी। क्या बात। तो ये जो जो बोल है वो गुजराती में हम लोग ने वर्जन दिया हुआ है, और इसमें जो अभी दीपा जी ने जो गाया है वो इतना बेहतरीन गाया है कि उदित नारायण जी के वॉइस आने के बाद ये इसको चार चांद भी लग जाएगी। सर आप अपने बारे में? हाय, मैं उमेश मारू, मारू ब्रदर्स से, एंड मैं साउंड इंजीनियर हूँ एंड रिटर्निस्ट भी हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिले। किस तरह का प्रोडक्ट आपने मार्केट में लाने की कोशिश कर? हर तरह का, मतलब लाइक गुजरात से लेके आप ऑल ओवर इंडिया में आप जितनी भी लैंग्वेज है, हम कोशिश करें कि हम म्यूजिकल कुछ दे नयापन। म्यूजिक बनाना बहुत मुश्किल काम है, आप कैसे कर लेते हैं? देखिए वो तो ऊपर वाले की देन है, हम कोशिश करते हैं और आप लोग जैसे हमें सराहते वैसे हम काम करते जाते हैं। आने वाले और इसके अलावा प्रोजेक्ट आपके? हमारे आने वाले प्रोजेक्ट में गुजराती भी प्रोडक्ट है एंड मराठी भी है, हिंदी भी है, हिंदी तीन प्रोजेक्ट है, और हम कोशिश कर रहे और भी अच्छा करें। तो सर एक चारों मिल के अगर कुछ एक गुनगुना दें आप? रूबरू बोल बहुत अच्छा था। चलिए सर। रूबरू थैंक यू ब्रदर्स से, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बस सबको ये कहते हैं कि हमको बहुत बहुत प्यार दो और हमको आशीर्वाद दो और हमको लाइक करो, हमारा गाना बहुत पसंद करो और इसे हिट करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता दी। अमन खान जी, हमारी फिल्म है, फिल्म का नाम क्या है? खल्लास। और खल्लास जी, खल्लास प्रोडक्शन का नाम क्या है? जीवीजी। मैं हूं उदित नारायण, आज मारू ब्रदर्स के स्टूडियो में हमारे मारू ब्रदर्स जी खुद कंपोजिशन के इस गाने को गुजराती फिल्म खल्लास का आज रिकॉर्डिंग है, जो निर्मात्री हैं हमारे योगिता राठौर जी हैं और डायरेक्टर हैं हमारे अमन खान जी, वंटी शर्मा जी भी हैं इस फिल्म में, उन्होंने भी म्यूज़िक दिया है, और राज सेन जी ने म्यूज़िक दिया है, और अभी मारू ब्रदर्स जी दे रहे हैं, और मारू ब्रदर्स जी ने मुझे बुलाया है कि भाई हम लोगों के संगीत में आप भी गाना गाओ, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मैं बैनर का नाम क्या है? जी वी जी बैनर जी वी जी फिल्म्स के पूरे यूनिट को, पूरे टीम को मैं बधाइयां देता हूं कि गुजराती फिल्म खल्लास म्यूजिकल सुपर डुपर हिट हो और सबको खल्लास कर दे। थैंक यू। क्या कहना चाहिए सर? इसका मजा रहने तो कहाँ है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। सर
आई फील वेरी लक्की एंड वेरी ब्लेस्ड. मैं अपने आप को बहुत ही लक्की और खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस जगह पर उनके साथ काम कर रही हूँ. प्रोड्यूसर मैम है योगिता राठौड़ एंड हमारे डायरेक्टर साहब हैं अमन खान एंड सिकंदर कुरैशी हमारे साथ कोर एक्टर कर रहे हैं. एंड आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड्स इन दिस फिल्म एंड इट्स अ वेरी यूनिक वेरी डिफरेंट इट्स अ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट एंड द फिल्म्स नेम इज खलास. इसमें मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर एंड थोड़ा सा रोमांस लव स्टोरी आपको सारे डिफरेंट एंगल्स भी दिखाई देगी इस मूवी में. एंड मैं बस ये कहना चाहती कि हमारी पूरी टीम एक फैमिली के जैसी है एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑडियंस को बहुत ही ग्रिप करके रखें एंड वील डेफिनेटली ट्राई आर बेस्ट टू गिव आउट द बेस्ट एंड द ऑडियंस विल लव अस एंड वी लव द ऑडियंस. सो ऑल आई वांट टू से इज देन लव यू ऑल एंड प्लीज 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 खलास आके देखिए. म्यूजिक जो मोंटी शर्मा ने दिया इसका म्यूजिक डायरेक्टर इज मोंटी शर्मा इज अ वेरी गुड डायरेक्टर वेरी फेमस यू नो दैट. ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है थ्रिलर कॉन्सेप्ट है और हाँ इसमें काफ़ी अच्छा जो हम लोगों का एक वन बाय मिस्ट्री चलेगी इसमें शूट का जो मर्डर होंगे इसमें मैं भी एक रोल प्ले कर रहा हूँ ऐसे यू कैन से लीड रोल टू शेड्स है मेरे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों शेड्स प्ले कर रहा हूँ. और यह कि एक कोशिश ये रही कि अच्छी से अच्छी मूवी बना के आप लोगों को दिखाई जाए एक अच्छा मैसेज दिया. खलास फिल्म के बारे में खलास इज द अल्टीमेट गुड सब्जेक्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं. आमिर जी ने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया है इस फिल्म के लिए और काफ़ी अच्छी तैयारी इनकी हो रही है फिल्म को लेकर एंड डेफिनेटली कुछ नया करेंगे फिल्म को फिल्म के कोरेगा. डांस में सालसा जैसे हिप हॉप होगा सालसा होगा कंटेम्प्रेरी होगा मोर इनटू इंटीमेट सीन्स जो आजकल चल रहे फिल्मों के लिए तो ज्यादा बेटर होगा. इंटीमेट सीन्स को लेके फिल्में बनती और हिट होती है. एंगल्स जो जितना सेंसर अलाउड करे नहीं लीक करा तो खलास हम लोग खलास हो जाएंगे अभी से. तो खलास इज अल्टीमेटली अ गुड फिल्म विच वी बी डूइंग एंड इट्स गोइंग टू बी डब्ड इन गुजराती ऑल्सो तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि गुजराती भी आजकल अच्छी जा रही है फिल्में तो वी कैन डू समथिंग. अमन जी इज डूइंग वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट इन दिस एंड योगिता जी अगेन द प्रोड्यूस ऑफ द फिल्म शी इज गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस गुड ब्रेक. तो काफ़ी मैंने ऐसे गाने किए हैं बहुत सारे फिल्में बहुत सारे गाने भोजपुरी ऑल लैंग्वेजेस हिंदी मराठी गुजराती तो दिस विल बी अल्टीमेट फिल्म विच आई डू गोइंग यू नो फर्स्ट टाइम यू नो विद मोंटी शर्मा सॉन्ग. सो लेट्स सी एंड यू कैन टॉक टू वन ऑफ द हीरोज ऑफ दिस फिल्म सो यू कैन ऑल्सो से समथिंग. सो यू ऑलरेडी आई ऑलरेडी आई आई सो यू वांट टू स्टे हियर ओके से व्हाट डू यू वांट टू आस्क. ओके हाय मैं रवि अजवाल. खलास इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट. अमन सर एंड योगिता मैम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन मूवी है. आई होप मैं आशा करता हूँ कि बनने के बाद ये सबको बहुत प्यारी लगे. नहीं अभी कुछ खास प्रिपरेशन तो नहीं किए बट वर्कशॉप होगी. सॉरी.